इंदौर शहर के नवागत पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को अपराध के रूप में सलामी दे रहे गुंडों को कड़ा संदेश देने के लिए इंदौर पुलिस ने उनका जुलूस निकाला और उनसे उठक बैठक लगवाई। इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र की बड़ी ग्वाल टोली में पिछले दिनों तीन बदमाश अभिषेक, ऋतिक और दीपक ने एक बाइक सवार को रोककर उसकी अंगूठी, मोबाइल और नकदी लूट ली थी। फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर तीनों को उसी जगह पर ले जाया गया और यहां से उसका जुलूस निकालकर उससे उठक बैठक भी लगवाई गई। साथ ही ये भी कहलवाया गया कि पुलिस हमारी बाप है। अरे मोबाइल। आरोपियों के परिजनों ने इस दौरान जमकर हंगामा किया, पुलिस पर ईंट उठाकर हमला करने की भी कोशिश की। बहरहाल पुलिस ने आरोपियों से लूटी गई अंगूठी, मोबाइल और नकदी जब्त कर अन्य लूट की घटनाओं के बारे में उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। सब इंस्पेक्टर जगदीश मालवीय ने इसकी जानकारी दी। दिनांक 3-4 रात्रि को 1:30 बजे के करीबन मोटरसाइकिल चालक अभिषेक और ऋतिक तथा दीपक ने मिलकर एक मोटर सवार साइकिल को रोक कर उससे अंगूठी, मोबाइल और नकदी छीन लिए गए थे। जिन्हें फरियादी द्वारा सूचना दी कि इन लोगों ने मेरे साथ में लूट करी है, वो यहाँ पे उपस्थित है, आगे पकड़ लो। तो फरियादी की रिपोर्ट पे से उनको पकड़े, पूछताछ करी, उनसे मोबाइल और नकदी तथा मोटरसाइकिल जब्त करी और अंगूठियाँ भी जब्त की गई। आज इन जिस जगह वारदात की है वहाँ पे इनका जुलूस निकाला गया ताकि इनको समझ में आए कि अपराध किस प्रकार का होता है।